हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का A13 और इस फोन में आपको रिंगटोन सेटिंग करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रिंगटोन सेटिंग कर सकते हैं, या फिर रिंगटोन पे आपको कोई गाना वगैरह सेट करना है जो कि आपने डाउनलोड करके रखा है तो फाइल से आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सेटिंग में जाइए, सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाइए। इस पर जाने के बाद आपको रिंगटोन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके फोन में जो रिंगटोन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कौन सी नंबर से आप कौन सी रिंगटोन के लिए सेट करना चाहते हैं उसको इस तरीके से प्ले करके देख सकते हैं। अच्छा लगता है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये फोन की रिंगटोन रहेंगी आपकी। अगर फाइल से आपको सेट करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। फाइल से सेट करने के लिए प्लस के आइकन पर जाना पड़ेगा और यहाँ जाके आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक परमिशन यहाँ से अलाउ करनी पड़ेगी। तो आपके फोन में जो भी गाने वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनको प्ले करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं इस तरह से आपको ये आ चुका है। यहाँ से आप जैसे कोई गाने के लिए डायरेक्ट रिंगटोन के लिए सेट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपकी रिंगटोन से ही गाना सेट होगा। तो देख सकते हैं कितने आगे से गाना प्ले हुआ है। इसी तरीके से कोई भी गाने को आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा गाना स्टार्ट से लगाना है तो इस वाले फीचर को यहाँ से डिसेबल कर दीजिए तो आपका गाना स्टार्ट से ही सेट हो जाएगा। तो डन के आइकन पर क्लिक कर देना तो आपका गाना यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में। तो यहाँ से क्लिक करके आप वापस आ जाएगी तो रिंगटोन ये चेंज हो जाएगी। अगर आपको फ़ोन आते समय आपकी जो वाइब्रेट है वो चालू नहीं है, आप उसको चालू करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल करा दीजिए तो जब भी कॉल आएगी तो आपकी फ़ोन का जो वाइब्रेट है वो भी चालू रहेगी। इस फोन में आपको वॉल्यूम कितना रखना है रिंगटोन का और जो आपकी साउंड वाइब्रेशन वगैरह है इसको कितना रखना चाहते हैं यहाँ आके उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि रिंगटोन वॉल्यूम आपको ऊपर देखने को मिलेगा, मीडिया वॉल्यूम नीचे की ओर देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन की जो साउंड वॉल्यूम होता है उसको कितना रखना है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सिस्टम साउंड कितना रखना चाहते हैं वो भी सेट कर पाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा बैक आइए, बैक आने के बाद आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन वाइब्रेट पैटर्न, इस पर सेलेक्ट कीजिए। वाइब्रेट का जो पैटर्न है उसको आप कितना रखना चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन आपकी आएगी उसका ये जो पैटर्न है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। सिस्टम साउंड वाइब्रेट कंट्रोल, इस पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपके जो टच साउंड है अदर साउंड है वो सभी देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्क्रीन लॉक होते समय जो आपको साउंड आता है उसको चालू बंद और करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप बंद और चालू इसको कर पाएंगे। डायल पे ट्यून है, रिंगटोन, चार्जिंग और बहुत सारे आपको साउंड है जो कि आप यहाँ पर आके चालू और बंद कर पाएंगे, अपने हिसाब से इनको आप सेट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तरीके से इस फोन आप रिंगटोन की सेटिंग को कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।